वेलकम स्टूडेंट्स, हम लोग पिछली क्लास से कंटिन्यू कर रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ लेबर इन इंडिया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्किल्स के बारे में डिस्कस किया था कि स्किल वाइज कैसे लेयर्ड होती है लेबर कम्युनिटी, कि हाई स्किल्ड लेबर कौन है, स्किल्ड लेबर कौन है, सेमी स्किल्ड लेबर कौन है और अनस्किल्ड लेबर कौन है। इसी तरीके से बुक के अंदर जो है दो तीन तरीके के लेबर के टाइप्स भी हैं, जैसे फिजिकल एंड मेंटल लेबर, राइट, जिसमें आप फिजिकल एफर्ट जहां ज्यादा होता है उसको आप फिजिकल लेबर कहते हैं, मेंटल एफर्ट जहां ज्यादा, जैसे किसान है, राइट, इस तरीके के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करने वाली लेबर है, ये लोग जो है फिजिकल एफर्ट ज्यादा करते हैं। या मान लीजिए फिजिकल एजुकेशन का कोई टीचर है, ही विल मेक मोर एफर्ट, स्पोर्ट्स टीचर इन अ स्कूल इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड इन फिजिकल एफर्ट, ठीक है। इसी तरीके से जो मेंटल लेबर है उसमें कई लोग जो है जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में कोडर्स होते हैं, टेस्टर्स होते हैं, दे अप्लाई मोर ऑफ देयर ब्रेन, मेंटल एनर्जी, इंटेलिजेंस, राइट, ये सारी चीजें वो स्पेंड करते हैं। सो वो उस तरीके की कैटेगरीज होती हैं। लेबर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्टिविटी, राइट, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेबर इज टू गेन प्रोडक्टिविटी, कितना काम, कितना प्रोडक्शन या कितना आउटपुट लेबर दे सकती है, इसको आप प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और किस तरीके से आप उस प्रोडक्टिविटी को हासिल करते हैं, व्हाट आर द वेज, मींस, मेथड्स, मोटिवेशंस टू अचीव दैट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी और टू अचीव दैट लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म द टास्क इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर इज नोन एज एफिशिएंसी। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि वो क्या तरीके, वो क्या चीजें हैं जो लेबर की एफिशिएंसी को इफेक्ट करती है। तो बाय एंड लार्ज द टॉपिक इज दैट what are the points to talk about the efficiency of labor in India, but we'll first discuss what is efficiency of labor, what are the factors which are affecting efficiency of labor, aur uske baad hum uske mahatva ke bare mein discussion karenge ki kya importance hai efficiency of labor ki, kyun hum discuss kare ki efficiency of labor hoti hai, right? To is tarike ki cheeze hum efficiency of labor mein discuss karenge. To sabse pehle let us try and understand what is the meaning of efficiency of labor. Efficiency of labor is the productive capacity of the labor. अभी मैंने आपको बताया कि काम करने की क्षमता और काम करने का best possible तरीका, इसके combination को आप efficiency of labor कहते हैं। Efficiency of labor is how best you are able to perform your job, right? And how best you are able to perform your job includes time as well. Time factor भी, effort factor भी इसके अंदर count होता है। तो कितनी क्वांटिटी ऑफ लेबर अवेलेबल है और वो किस तरह से एक काम को अंजाम देती है, एक काम को आउटपुट में कन्वर्ट करती है, वो काम, वो तरीका एफिशिएंसी ऑफ लेबर कहलाता है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लेबर फोर्स डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी अवेलेबल ऑफ द लेबर फोर्स एज वेल एज क्वालिटी अवेलेबल ऑफ द लेबर फोर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी का मतलब ये नहीं है कि आपकी कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल बहुत ज्यादा है। तभी मैंने कहा स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडिया हैज ह्यूज नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री हु आर अवेलेबल फॉर वर्क, ह्यूमन कैपिटल, अलग अलग तरीके की लेयर ऑफ ह्यूमन कैपिटल है जिसमें स्किल्ड अनस्किल्ड हर तरीके के लोग अवेलेबल है। लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप प्रोडक्टिव कैपेसिटी की बात करते हैं, how a person is best able to perform a job, it depends on what is the quality of the labor. मतलब वो जो output देने वाला है उसके तरीके का, उसकी training का, उसकी skillfulness का, उसकी application का भी उतना ही importance है जितना importance number of labor available for supply है. The qualitative aspect of labor is emphasized in the discussion today. So we will try to emphasize कि numbers के अलावा जो quality of the labor है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द लेबर है, हाउ टू परफॉर्म द जॉब, अप्लाइंग इंटेलिजेंस टू कंप्लीट द वर्क, वेदर इट इज फिजिकल लेबर, मेंटल लेबर, मार्जिनल लेबर, वॉट एवर इट इज, वी हैव टू पे अटेंशन टू द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लेबर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ लेबर मीन्स द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द वर्कर टू डू मोर और बेटर वर्क और मे बी द बेस्ट ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेन वी से बेस्ट वर्क, वॉट इज बेस्ट वर्क, सबसे बेहतरीन,
दिए गए रिसोर्सेस के अंदर, दी गई कॉन्स्टेंट्स के अंदर उसी जॉब को बेस्ट पॉसिबल वे में परफॉर्म करना इज एफिशिएंसी ऑफ लेबर। तो एफिशिएंसी ऑफ लेबर को आप डिटरमिन करेंगे तो उसके कुछ की पिलर्स होते हैं। व्हाट आर द बेसिक पिलर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डिटरमिनिंग व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ लेबर? द फर्स्ट पॉइंट इज क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर। तो पहली चीज जिससे आप एफिशिएंसी ऑफ लेबर का अंदाजा लगा सकते हैं वो है कितना प्रोडक्शन लेबर ने किया है, कितना आउटपुट लेबर ने दिया है। दूसरा, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर। अब किसी भी प्रोडक्ट के बनने के बाद प्री डिफाइंड कंडीशंस होती हैं उस प्रोडक्ट की कि वो प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज कितना अच्छा है, चाहे वो बिस्किट हो, फूड आर्टिकल्स हो, कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो लाइफ में, पेंसिल हो, पेन हो, राइट, स्टेशनरी आर्टिकल्स हो। इनकी प्रोडक्ट बनने के बाद एक बार टेस्टिंग होती है और टेस्टिंग में ये देखा जाता है कि वो प्री डिफाइंड पैरामीटर्स पर काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले पेंसिल का, तो पेंसिल प्रोडक्ट को बनाने के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो उसकी पॉइंटेड स्केलिंग होती है वो इस तरीके की हो कि वो ज्यादा लंबे टाइम तक चले। दूसरा, उसको जब आप शार्पन करते हैं तो वो टूटे ना, पेंसिल की लाइफ ठीक ठाक रहे, ऐसा ना हो कि पेंसिल को बहुत शार्पन करना पड़े हर बार, वो उसकी जो स्क्रिप्ट राइटिंग के बाद जो स्केलिंग होती है वो बहुत पतली हो जाए या बहुत मोटी हो जाए, इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। द टाइम स्पेंड बाय अ वर्कर इन प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। सो क्या प्रोडक्ट बना है, कितनी क्वांटिटी में बना है, उसकी क्या क्वालिटी है और कितने टाइम में वो प्रोडक्ट बना है, ये तीन मेजर डिफाइनिंग क्राइटेरिया होते हैं that would talk about the efficiency of labor. On the basis of these three, you will determine what is the efficiency of labor. So efficiency of that worker will be more, who produces more quantity of better quality product in comparison to others. So agar koi aadmi kam time ka istemal karke zyada better quality ka product banayega, usko hum efficient labor bolenge, compared to those who may produce more number of units than the efficient labor, but the quality of the product is down. क्यों? क्योंकि इसके flip side effect देखिए, एक जो इसका उल्टा effect है वो ये है कि अगर मैं एक दिन में 500 जूते बना लेता हूं लेकिन उनमें से 200 जूते खराब निकलते हैं, तो जो खराब निकल रहे हैं उनकी cost बहुत high है। क्यों? क्योंकि आपने पूरा process चला दिया 500 जूतों का, उसके अंदर material लग गया, उसकी सिलाई हो गई और उसके अंदर प्रोडक्ट बनने के बाद डिफेक्ट निकला। अब वो 200 जूते या तो रिजेक्ट होंगे या वापस प्रोडक्शन में जाएंगे। तो जो प्रोडक्शन साइकिल एक बार एक कॉस्ट पर चलनी थी उसमें 500 की बजाय 300 ही जूते बने और अगली बार पुराने 200 जूते उसके अंदर ऐड हो गए। तो कॉस्ट आप बार बार रीडू कर रहे हैं अपनी कॉस्ट को। तो एक ही चीज को अगर आप बार बार करते हैं और उसमें गलतियां करते हैं तो समय तो खराब हो ही रहा है, क्वालिटी खराब हो रही है, unusually cost बढ़ रही है, cost of production unusually बढ़ रही है। तो ये एक important factor है, ठीक है? तो इसको तो ये जो है ये तीन फैक्टर्स से पता चलता है कि लेबर की एफिशिएंसी किस तरीके की है और किस दर्जे की है, ठीक है? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एफिशिएंसी ऑफ लेबर। अब वो क्या महत्वपूर्ण तत्व हैं जो लेबर की एफिशिएंसी को, लेबर के काम करने की क्षमता को, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को इंपैक्ट करते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं, वो कौन से कारक है, वो कौन से तत्व है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि लेबर की एफिशिएंसी कम या ज्यादा हो जाए, राइट? तो कौन बेटर परफॉर्म करेगा, कौन कम परफॉर्म करेगा, ये डिपेंड करता है सर्टेन फैक्टर्स के ऊपर। तो इसमें दो तरीके के कारण हैं, जैसे कि जनरल फैक्टर्स, तो उसको आप कह सकते हैं ज्योग्राफिकल एंड रीजनल लोकल फैक्टर्स और कंडीशंस, जैसे कि आदमी की रेशियल थीम क्या है, क्लाइमेट कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी कंट्री में कैसी है, इकोनॉमी कैसी है उस कंट्री की,
एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये क्या है, लोकल ज्योग्राफिकल रीजनल जो इम्पैक्ट होता है एक आदमी पर कि वो कहाँ पैदा हुआ है, किस एनवायरमेंट में रहा है, उसका एक फर्क पड़ता है. विच आर दीज आर कॉल्ड जनरल फैक्टर्स. द स्पेसिफिक फैक्टर्स आर एसोसिएटेड विद द स्किल्स, पर्सनैलिटी और इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल. Employment in the local area were factors that would define the efficiency of labor in a country. तो ये specific factors हैं. ये general factors तो वो हैं जो पूरी की पूरी labor community को impact करेंगे, और specific factors वो हैं वो जो labor to labor, individual person to individual person या geographical spread. जैसे India बहुत diverse country है, north, east, south, west में अलग culture हैं, अलग तरीके के लोग हैं, educational institutions के styles अलग हैं, लैंग्वेजेस अलग हैं, हेरिटेज अलग है. तो वो स्पेसिफिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो आदमी कहाँ से आता है, कैसे बात करता है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, एजुकेशन किस तरीके की है. जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो एजुकेशन लेवल्स थोड़े हाई हैं, साउथ में जाएंगे तो एजुकेशन लेवल्स हाई हैं. तो इस तरीके की चीजें जो है ये यहाँ पर होती है. ठीक है, तो ये स्पेसिफिक फैक्टर्स. लेट अस टॉक अबाउट जनरल फैक्टर्स फर्स्ट, और उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात करेंगे. रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए रेस का मतलब होता है जब आप एक पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करते हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं. तो अगर आप इंटरनेशनली या ग्लोबली देखने की कोशिश करेंगे तो रेस का मतलब होता है कि आप एशिया से आते हैं तो एशियन रेस बोला जाता है. एथनिसिटी आपकी क्या है, कहां से आप बिलोंग करते हैं, राइट. कुछ लोग अमेरिकन जैसे हैं उनको एफ्रो एशियंस बोला जाता है, कई लोगों को जो अफ्रीका और एशियन पेरेंट्स के बच्चे होते हैं उनको एफ्रो एशियंस बोला जाता है. इस तरीके के रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे रेशियल ग्रुप्स ऐसे हैं जो बहुत हार्डवर्किंग होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. तो उनके जो जनरेशन होती हैं उनको हेरिडिटी में कुछ चीजें मिलती हैं, हार्डवर्क, डेडिकेशन, कमिटमेंट. इस तरीके के लिए बोला जाता है कि अगर आप उस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, उस रेस में, पर्टिकुलर रेस में पैदा हुए हैं, सो यू आर बेसिकली. कई लोगों में स्टर्डीनेस बहुत होती है, फिजिकली फिट होते हैं, कई लोग ऐसी रेसेस होती हैं. तो इस तरीके की जो रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये आपको हेरिडिटरी मिलती हैं, एंड यू आर बेसिकली यू बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी. एंड इफ यू बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी यू आर टेंड टू बी ऑन दी pages of recruitment, कि हर कंपनी चाहेगी कि these kind of people should be recruited in the company and they are placed into the company so that they achieve better results. Climatic conditions बहुत responsible है कि labor efficiency पर impact पड़ता है. देखिए अगर आप ऐसी जगहों पर open areas में काम करते हैं जहां पर बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस का असर पड़ेगा. बार बार रेस्ट चाहेगा, बार बार पानी पीने की कोशिश करेगा लेबर, थकान ज्यादा होगी, स्वेटिंग बहुत होगी. बहुत कोल्ड क्लाइमेट का भी नेगेटिव इंपैक्ट होता है, मूड खराब हो जाता है, ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, हेल्थ इफेक्ट्स हो जाते हैं. सिमिलरली एक्सट्रीम समर्स में भी देर इज अ सिमिलर काइंड ऑफ इम्पैक्ट. बट नॉर्मल वेदर जहां पर रहता है ज्यादातर टाइम, अच्छी धूप भी रहती है, अच्छा ठंडा भी रहता है, मतलब इट्स अ नॉर्मल. अब जैसे आप चेन्नई जैसे शहरों में, कोस्टल एरियाज में जाएंगे इंडिया के, गोवा, मुंबई, तो बहुत सल्ट्री मौसम होता है. 6 महीने बहुत पसीना आता है, गर्म सा रहता है मौसम का मिजाज. कुछ ही महीने होते हैं, 2-3 महीने जिसमें मौसम अच्छा या सुहाना हो सकता है. सो फेवरेबल या अनफेवरेबल जो मौसम बनता है उससे लेबर के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है कि वो वहां पर किस तरह से काम करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी पर इम्पैक्ट पड़ता है. अब चाहे वो फिजिकल लेबर हो चाहे वो मेंटल लेबर हो, इट डज नॉट रियली मैटर व्हाट काइंड ऑफ लेबर यू आर डूइंग, बट इट इज अगेन एन इम्पैक्टफुल सिचुएशन. क्योंकि देखिए अगर आप मेंटल लेबर कर रहे हैं, यू वुड नीड एन एसी इफ यू वांट सम, यू वांट टू सिट समवेयर. तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये भी एफिशिएंसी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है. दीज आर जनरल फैक्टर्स. एक कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, उसमें कैसे हालात हैं उस इकोनॉमी के, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन जनरल लोगों का कैसा है, आर पीपल एबल टू स्पेंड मनी, गेट गुड फूड, गेट थिंग्स ऑफ लीजर, आराम से चीजें मिलती हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बैंकिंग फैसिलिटीज हैं कि नहीं है, हेल्थ केयर अच्छा है कि नहीं, रोड कनेक्टिविटी अच्छी है कि नहीं,
एयर कनेक्टिविटी अच्छी है कि नहीं, ये सारे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से आदमी को बहुत फर्क पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ द रोड कनेक्टिविटी बिटवीन द फैक्ट्री एंड द लेबर्स रेजिडेंशियल एरिया इज नॉट वेल कनेक्टेड, राइट, इफ द रोड इज नॉट देयर, इट इज नॉट वेल लिट, इट इज अनसेफ टू ट्रेवल, तो ऑब्वियसली लेबर अवॉइड करेगी ज्यादा जाना आना, इधर उधर करना, फैमिली को लेके नहीं आएगी, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर ऑटोमेटिकली इंपैक्ट पड़ जाता है कि क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, या सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, या हॉस्पिटल्स नहीं है, तो लेबर अपनी फैमिली के साथ उन एरियाज में शिफ्ट नहीं होते। सो दिस इज द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑन एफिशिएंसी ऑफ लेबर। और जब फैमिली आपके साथ नहीं रहती है तो फिर कुछ और तरीके के चैलेंजेस आपके सामने आपकी लाइफ में आते हैं, सो दैट विल ऑटोमेटिकली इंपैक्ट द एफिशिएंसी ऑफ लेबर इन अ नेगेटिव वे। सिमिलरली, इफ यू हैव ऑल दीज इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज अराउंड योर हाउस, अराउंड योर फैक्ट्री, एंड योर फैक्ट्री ऑफर्स यू गुड सोशल सिक्योरिटी नेट, सेफ सोशल सिक्योरिटी नेट मतलब आपको फैक्ट्री पेंशन देती है, आपको फैक्ट्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देती है, आपको फैक्ट्री मेडिकल इंश्योरेंस देती है, आपकी बच्चों की एजुकेशन में सपोर्ट करती है, तो फिर उन सिचुएशंस में आप जो है आगे बढ़ते हैं और अपने फैमिली के साथ रहते हैं, और जब लोग वहां पर आकर के रहते हैं किसी लोकैलिटी में तो वहां का और डेवलपमेंट होता है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर फर्क पड़ता है। दो पॉइंट्स हम कवर करेंगे स्पेसिफिक फैक्टर्स के, जनरल एंड टेक्निकल एजुकेशन, पर्सनल क्वालिटीज एंड कैरेक्टर। मैं सबसे पहले पर्सनल क्वालिटीज एंड कैरेक्टर को समझाऊंगा और उसके बाद जनरल एंड टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। जिस यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्वालिटीज और वैल्यूज पे सबसे ज्यादा फोकस होता है, और क्वालिटीज एंड वैल्यूज एजुकेशन का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट माना जाता रहा है हिंदुस्तान के अंदर बहुत सेंचुरीज से। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम इस तरीके का माना गया है कि हमको हेरिडिटी में क्वालिटीज वैल्यूज मिलती हैं जो शेप करती हैं कि आपका कैरेक्टर कैसा है, और कैरेक्टर कुछ एक या दो पर्टिकुलर चीजों से, कई लोग कैरेक्टर का सीधा मीनिंग निकालते हैं ऑनेस्टी, बिल्कुल भी नहीं, कैरेक्टर का सीधा मीनिंग होता है इंटेग्रिटी से। आप जैसा घर के अंदर बिहेव करते हैं वैसा ही घर के बाहर बिहेव करते हैं, घर के बाहर आप दूसरे तरीके से सॉफ्ट बिहेव करते हैं, घर के अंदर आपका बिहेवियर हार्ड है, आप लोगों पर चिल्लाते हैं, बाहर नहीं, ये कैरेक्टर ठीक नहीं माना जाता है। तो घर के अंदर और बाहर जो आपका कैरेक्टर एक जैसा होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इंटेग्रिटी, और क्वालिटीज एंड वैल्यूज उस इंटेग्रिटी को ड्राइव करती है। क्वालिटीज और वैल्यूज में से एक आस्पेक्ट ऑनेस्टी, एक आस्पेक्ट है टाइमलीनेस पंक्चुअलिटी, एक आस्पेक्ट है डिसिप्लिन, कहां पर बैठे हैं आप, किसके साथ बैठे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें कोई भी एक वर्कर अपनी लाइफ में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इकट्ठा करता है, फ्रॉम हिज वेरी अर्ली एज, स्टार्टिंग फ्रॉम नर्सरी और मे बी फ्रॉम बर्थ टू द एज ऑफ 20-25, और फिर वो अपना एक कैरेक्टर डेवलप करता है और उस कैरेक्टर के हिसाब से वो काम करता है। तो जैसे कुछ फैक्टर्स हैं, परसीवरेंस, इंटेलिजेंस, resourcefulness, sense of belongingness, responsibility, accountability, ability to take decisions and ability to accept mistakes. देखिए, ये कोई आपको नहीं बताएगा कि character का एक defining point होता है कि आप अपनी गलती मान पाते हैं कि नहीं, अपनी या अपनी टीम की गलती मान पाते हैं कि नहीं। A leader is described with the habit of ability to take decisions and own those decisions. लोग अपनी लाइफ में डिसीजंस लेकर इग्नोर कर देते हैं, पलट जाते हैं कि ये भगवान की वजह से हो गया या किसी और की वजह से हो गया, एक्चुअली द रीजन इज अस, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वी हैव मेड अ डिसीजन एंड इट हैज गॉन रॉन्ग, वी वेंट इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन, नोबडी लेड अस टू द रॉन्ग डायरेक्शन। लालच आता है, गलत काम होता है, तो वो लालच हमारे कैरेक्टर की प्रॉब्लम की वजह से है, इस वजह से नहीं है कि किसी और ने आपको दिया है। सो पर्सनल क्वालिटीज एंड कैरेक्टर are the most important element when you come to an individual person. मैंने specific factors के लिए बताया था, individuals के ऊपर depend करता है specific factor. General and technical education, obviously जो आप general education is very important, आपका horizon जो है वो broad करती है, knowledge देती है आपको, thinking ability develop करती है, free thinking लाती है आपके अंदर, और technical education आपको skills देती है, किसी काम को करने का एक particular तरीका सिखाती है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक इंडिविजुअल से इंडिविजुअल में बदल जाती है।
एक आदमी से दूसरे आदमी को आप कंपेयर करेंगे तो जनरल एंड टेक्निकल एजुकेशन का लेवल, एक्सपोजर चेंज हो जाएगा, पर्सनल क्वालिटीज एंड कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे। तो ये वो फैक्टर्स हैं, वो तत्व हैं जो आपको एज एन इंडिविजुअल इंपैक्ट करते हैं। इसके बाद एक्सपीरियंस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। हमेशा आप देखेंगे कि जब कोई ज्यादा तजुर्बा रखने वाला आदमी काम करता है और थोड़ा कम तजुर्बा रखने वाला आदमी काम करता है तो दोनों के काम करने के तरीके में फर्क होता है, दोनों के आउटपुट में भी फर्क होता है, दोनों के प्रोसेस ऑफ वर्किंग में भी, वेज ऑफ वर्किंग में भी फर्क होता है। वो इसलिए कि जिस आदमी को ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, स्किल्स पुरानी होती हैं, वो जल्दी काम को कर लेता है ज्यादा एफिशिएंसी के साथ, उसके पास आइडियाज होते हैं। और जो कम तजुर्बे वाला आदमी होता है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी होती है, शार्पनेस होती है, इंटेलिजेंस होती है, यंग होता है, इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी की वजह से वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाता कई चीजों को। और इसका कई बार अब उल्टा भी होता है, बहुत सारे लोग हैं जो अब ऐसी एजुकेशन हम लोगों को अर्ली एजेस में मिलने लगी है और इंटरनेट इतना अवेलेबल है, जैसे यूट्यूब वगैरह है, कि आप लोग कई चीजें वहां से भी देखकर बहुत जल्दी सीख लेते हैं एंड देन यू ट्राई टू इंप्लीमेंट बेटर। समटाइम्स इट इज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस कि ज्यादा एक्सपीरियंस वाला आदमी धीमे काम करता है, पुराना स्टाइल से काम करता है, और जो यंग आदमी होता है, जो लेस एक्सपीरियंस्ड होता है, ही हैज इनोवेटिव आइडियाज एंड ही हैज बीन एबल टू इंप्लीमेंट देम वेरी वेल, तो वो अच्छा काम करने लगता है। तो अगेन पर्सन टू पर्सन इट डिपेंड्स व्हाट इज द एक्सपोजर टू द प्रैक्टिकल वर्क। देन व्हाट इज योर एक्सपोजर टू द मशीनरी एंड इक्विपमेंट। आप किस तरह से मशीनरी के साथ एब्रेस्ट हैं काम करने के लिए, आपको समझ में आती है कि मशीनरी किस तरह से काम करती है, टेक्नोलॉजी क्या है, आप अपग्रेडेड हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जो पैराडाइम चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एरा में, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देम, यू हैव बीन एबल टू यूज द मॉडर्न इक्विपमेंट बिकॉज योर एफिशिएंसी इंक्रीजेस। लाइक फॉर एग्जांपल, पहले आप अकाउंटिंग सारी रजिस्टर्स में करते थे, अकाउंट बुक्स में करते थे, कैश लेजर छपा हुआ आता था, हार्ड बाउंड बुक्स होती थी, यू नीड टू राइट देम, और गल्तियां हो जाती थी तो व्हाइटनर यूज करते थे एटसेट्रा एटसेट्रा, या कई लोग पहले पेंसिल से लिखते थे फिर उसे पेन से फेयर करते थे, एक रजिस्टर फेयर एक रजिस्टर रफ, देयर वाज लॉट ऑफ पेपर वेस्टेड, टाइम वेस्टेड, पर्सन्स मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी वेस्टेड। बट नाउ यू हैव सॉफ्टवेयर्स, स्मार्ट मोबाइल रेजिलियंट इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें आप इनपुट डालिए, वो आपको बता देगा इनपुट सही है कि गलत है, और अगर सही है तो इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर द इनपुट टू द राइट प्लेस, अकाउंटिंग रिकॉर्ड अपने आप क्रिएट हो जाएगा, जर्नल एंट्रीज बन जाएंगी, लेजर बन जाएगा, ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दोस थिंग्स, यू कैन प्रेजेंट दैट इन अ फॉर्मेट ऑफ पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट और मशीनरी का इस्तेमाल भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, हर आदमी उतनी कंफर्टेबली एक्सेल यूज नहीं कर सकता, तो इट डिपेंड्स कि आप एक्सेल में एक्सपर्ट हैं, इंटरमीडिएरी हैं, या यू आर जस्ट अ बेसिक नोन पर्सन टू एक्सेल। तो ये सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आई एम टॉकिंग अबाउट, तो ये सारे स्पेसिफिक इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं जो आपके परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करते हैं। तो यहां तक आज हम रोक देते हैं एंड वी विल कवर फ्रॉम फैक्ट्री एनवायरमेंट टुमारो। आई थिंक आप लोग घर जाइए, इसको थोड़ा सा सोचिए, डिस्कस करिए, और इसके ऊपर क्वेश्चंस देखिए कि आपके पास क्या आते हैं, एंड देन आई विल ऑल्सो गिव यू वन होम असाइनमेंट आउट ऑफ efficiency of labor. जब हम specific factors finish कर लेंगे, then we'll talk about the low efficiency of labor in India. What are the reasons behind it? Why do you think that Indian labor is not that efficient? Though heredity wise, Indian labor is expected to work more, deliver more, work better. Intelligentsia भी हमारा थोड़ा ज़्यादा है compared to other races in the world. But still, we are our efficiency, the labor of Indian labor's efficiency is considered to be slightly lower compared to others. Why? What are those reasons? We'll talk about them. But please go back, think about the reasons that I have talked about influencing the labor efficiency. Thank you.